नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और बार फिर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएमसी सेंटर के बारे में, जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है, उसमें रिलेशन भर्ती आई है दोस्तों, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, और उससे अलग जितने दोस्तों जितने भी अदर सेंटर हैं उनकी वीडियो मैं अभी इसके बाद डालूंगा। डेली आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए हर भर्ती का। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको किसी भी सेंटर का चार्ट चाहिए तो वो भी आप मुझे इंस्टा पर वहाँ से ले सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टा का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टा का हैंडल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है वो चार्ट जो कि 29 सितंबर को रिलीज़ हुआ था। 29 सितंबर को दोस्तों ये चार्ट रिलीज़ हुआ था, जो कि ऑफिशियल चार्ट है जो कि एएमसी ने रिलीज़ किया था। तो इसमें लिख रखा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यूएचक्यू इनरोलमेंट एएमसी सेंटर एंड लखनऊ कॉलेज लखनऊ, जो कि आपकी जो भर्ती है दोस्तों 16 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आपकी जो भर्ती है वो चलेगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कौन कौन जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जितने भी सर्विस वाले हैं, जिनके फादर सर्विस में थे, जिसका ब्रदर सर्विस में है, या फिर जो भी एक्स सर्विसमैन के हैं, वॉर विडो विडो जितने भी कैंडिडेट हैं, सभी इसमें जा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक और लाइन लिखी है, डीएससी पर्सनल हु हैव सर्व्ड इन एएमसी फॉर वैकेंसीज। तो दोस्तों, डीएससी वाले भी इसमें जा सकते हैं, डीएससी वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी आपकी ट्रेड हैं। तो दोस्तों, इसमें तीन ट्रेड हैं, वैसे तो चार ट्रेड है, मैं चौथे आपको बाद में बताऊँगा। तो तीन ट्रेड कौन कौन सी है रिलेशन वालों की, वो है टेक्निकल की, जो कि एक नर्सिंग असिस्टेंट में आ जाती है एनए वालों की, और उसके बाद है ट्रेडमैन की और सोल्जर कलर की। और दोस्तों, ये आपकी 16 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये भर्ती चलेगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं, यहाँ पर एड्रेस बता रखा है, एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ ऑन रायबरेली रोड, जहाँ पर आपका स्टेडियम है वो एड्रेस है दोस्तों। पूरा एड्रेस आप देख, अगर आपको जानना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपका रिप्लाई करके बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो यहाँ पर बता रखा है कैसे आपकी प्रोसेस चलेगी। पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका टेस्ट होगा, उसके लिए आपको एडमिट कार्ड देंगे, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम CEE एग्ज़ाम होगा, और ये सारा OMR बेस पे होता है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो दोस्तों, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है उसमें बता रखा है कि द रिक्रूटमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द मेरिट ऑफ द इंडिविजुअल इन CS। तो दोस्तों, इसमें कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बता रखा है, और दोस्तों जो भी कैंडिडेट जाना चाहता है इस भर्ती में, उससे रिलेटेड ये बता रखा है कि आप ऑल इंडिया ऑल कास्ट से जहाँ से भी हो आप इस भर्ती में जा सकते हो, सिर्फ आपके पास रिलेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रखा है कि आप अगर आप कलर की भर्ती देख रहे हो तो आपका जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो एएमसी सेंटर का ही होना चाहिए। अदर सेंटर जो भी है वो कलर की भर्ती नहीं देख सकता। और दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट लाइन में, आप देख सकते हो जैसे कि इनरोलमेंट ऑफ सोल्जर म्यूजिशियन कैटेगरी विल बी कैरिड आउट इन ओपन कैटेगरी फ्रॉम एनी स्टेट। तो दोस्तों, किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती में जा सकता है। ओपन भर्ती है म्यूजिशियन वालों के लिए, इसमें आपको म्यूजिक से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड वाइज सोल्जर आपकी टेक्निकल की। दोस्तों, जो ये नर्सिंग असिस्टेंट है उसमें क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों, आपके पास 10+2 में 50 मार्क्स से आपके ऊपर होने चाहिए परसेंटेज टोटल, और 40-40 मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। और आपकी जो एज है वो 17.5 से 23 है। कलर्क में दोस्तों 17.5 से 23 है इसमें एज, और इसमें 10+2 पास विथ 60%, और आपके पास मैथ या फिर अकाउंट्स होना चाहिए, 60% होने चाहिए दोस्तों आपके टोटल या फिर इससे ऊपर, और 50-50 मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में कलर के लिए। 10th पास चाहिए दोस्तों आपके लिए नॉर्मल, अगर आप ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हो या फिर म्यूजिशियन की भर्ती देखना चाहते हो। तो दोस्तों, यही था एक छोटा सा अपडेट एएमसी सेंटर से रिलेटेड। और फिजिकल की बात करें तो दोस्तों, वहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड है, और इसमें आपका सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, रनिंग 1600 मीटर रनिंग है। उसके बाद आपके पुलअप्स हैं, और एक 9 फुट का एक डिच आपको कूद कर पार करना होता है, और जिगजैग बैलेंस होता है। फिजिकल में सिर्फ आपका इतना ही होगा। फिजिकल के बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका 1.5 या 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। तो दोस्तों, ये था सारा प्रोसेस एएमसी सेंटर का।
अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टा पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दोस्तों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए हर भर्ती का। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।